पंजाब नेशनल बैंक में देश के सबसे बड़े लोन घोटाले की जांच के बीच एक और ज्वेलरी कंपनी का बैंकिंग घोटाला सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वेलरी चैन कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 824.15 करोड़ के लोन फ्रॉड को लेकर सीबीआई से जांच की मांग की है, जिन 14 सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने कनिष्क को लोन दिया है उनमें एसबीआई सबसे आगे है। 25 जनवरी 2018 को लिखे लेटर में एसबीआई ने कनिष्क पर रिकॉर्ड्स में फेरबदल और रातों रात दुकान बंद करने का आरोप लगाया है। मूलधन 824 करोड़ रुपए का है, लेकिन ब्याज को भी जोड़ लें तो बैंकों को 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी सबसे पहले एसबीआई ने 11 नवंबर 2017 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को दी। जनवरी तक दूसरे बैंकों ने भी रेगुलेटर को धोखाधड़ी के बारे में बताया। एसबीआई ने कहा कि ज्वेलर ने सबसे पहले मार्च 2017 में ब्याज भुगतान में 8 सदस्य बैंकों से डिफॉल्ट किया। अप्रैल 2017 तक कनिष्क ने सभी 14 बैंकों को पेमेंट रोक दी। 5 अप्रैल 2017 को स्टॉक ऑडिट की शुरुआत के समय बैंकर्स प्रमोटर से संपर्क करने में असफल रहे। 25 मई 2017 को जब बैंकर्स ने कनिष्क के कॉर्पोरेट ऑफिस का दौरा किया तो फैक्ट्री शोरूम बंद था, वहां कोई कामकाज नहीं हो रहा था। उसी दिन भूपेश जैन ने बैंकर्स को लेटर लिखकर रिकॉर्ड्स में जालसाजी की बात स्वीकार की। बाद में जब बैंकर्स दूसरे शोरूम पर पहुंचे तो पता चला कि वे भी बंद हैं। एसबीआई के लेटर से पता चलता है कि कनिष्क पर लोन 2007 से ही बकाया है। समय बीतने के साथ बैंकों ने कनिष्क के लिए क्रेडिट लिमिट और वर्किंग कैपिटल लोन की लिमिट बढ़ा।